Dear students, welcome back once again. My name is Rahul Tiwari and I am from Sage University Bhopal, Department of Performing Arts. And in this video, I am going to discuss about Sudhinder Sarkar. He is well known by the name of Badal Sarkar. I hope you have already heard about this personality. He is the very famous and great director, actor and a theatre practitioner of India. So by profession, he was a civil engineer, and the birthplace of Badal Sarkar was West Bengal. And 15 July 1925 ko unka birth hua tha, and 13th May 2011 he was no more. तो बादल सरकार के बारे में अगर हम बातचीत करें या बादल सरकार के बारे में हमें जानना है तो कई बार हम लोगों ने या एक्टर्स ने ये नाम सुना होता है थर्ड थिएटर. थर्ड थिएटर का कंसेप्ट was introduced by Badal Sarkar in 1972, and why he introduced third theater and why he denied proscenium theater. And proscenium theater का अगर नाम आ रहा है तो आप कई लोग इसको जानते होंगे, mostly लोग इसको जानते हैं, but जो नहीं जानते तो उनको मैं बता देता हूँ कि proscenium theater is the modern theater, जैसे जो auditoriums जो होते हैं या एक rectangle shape या square shape का जो theater होता है जिसमें actors और जो audience होती है वो एक थोड़ा distance के बाद कहीं पर बैठी होती है, और जब भी कोई play start होता है तो audience को हम dark में वहाँ के जो light होता है उसको off कर देते हैं. तो that kind of concept comes under the proscenium theater. तो बादल सरकार जो थे, बादल सरकार ने West Bengal में बहुत थिएटर के लिए बहुत काम किया है, बहुत ही जाना माना नाम है. और अगर बंगाली थिएटर की बात करें तो बादल सरकार का नाम लिए बगैर बंगाली थिएटर जो बांग्ला थिएटर है उसको इनकम्प्लीट माना जाता है. तो बादल सरकार ने जब काम करना शुरू किया एट दैट टाइम जब वो प्रोसिनियम थिएटर में काम करते थे और देखते थे तो वो कई बार उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, बिकॉज उनका मानना ऐसा था कि थिएटर जो है इट इज अ लाइव एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस. तो जो प्रोसीनियम थिएटर जो होता है इट क्रिएट्स फोर्थ वॉल बिटवीन ऑडियंस एंड द स्टेज पे जो भी एक्टर्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्थ वॉल को क्रिएट करता है. एंड ये जो फोर्थ वॉल का कंसेप्ट है ये बादल सरकार को पसंद नहीं था. उनका मानना था कि इससे लाइवलीनेस जो होती है एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में वो चली जाती है. तो बादल सरकार ने एक कह सकते हैं कि एंटी प्रोसीनियम थिएटर एक कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 1972 में, जिसको आगे चल के थर्ड थिएटर का नाम दिया गया था. अकॉर्डिंग टू बादल सरकार फर्स्ट थिएटर, सेकंड थिएटर एंड उसके बाद जो थर्ड थिएटर आता है, तो फर्स्ट थिएटर वाज थिएटर जिसको जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट या किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से ग्रांट दी जाती है या उनको एक अमाउंट मिलता है और वो जब प्ले करते हैं तो दिस काइंड ऑफ थिएटर कम्स इन एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट थिएटर. एंड सेकंड थिएटर इज अ थिएटर जहां पर ग्रांट तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है बट लोग अपना खुद का पैसा लगा के, खुद का अमाउंट लगा के और रंगमंच के लिए, थिएटर के लिए काम करते हैं. तो उसको सेकेंड कैटेगरी या सेकेंड थिएटर के अंडर बादल सरकार ने उसको समझाया था. और इन दोनों के अलावा जो थर्ड थिएटर था जिसमें लोग बहुत मैच्योर तो नहीं होते हैं या कह सकते हैं कि उनका वो प्रोफेशनल भी नहीं होते हैं बट वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए काम करते हैं या रंगमंच के लिए काम करते हैं. तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड थिएटर की छाया या उसके पार्ट को लेकर थोड़ा सा फ्रीलांसर काम करते हैं उनको थर्ड थिएटर के अंदर बादल सरकार ने रखा था. एंड मोटो बिहाइंड to introduce this third theater was बादल सरकार ये चाहते थे कि रंगमंच जो है उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना वर्थफुल नहीं है, बिकॉज अगर आप प्रोसीनियम थिएटर में जब कोई प्ले करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं, वहाँ पे लाइट्स, कॉस्ट्यूम और भी हॉल का जो खर्च होता है वो सारा कुछ आपको उसमें एक्सपेंस जो है वो करना पड़ता है. बट अगर आप थर्ड थिएटर करते हैं और अगर आप ओपन स्टेज पर करते हैं या ओपन किसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं जहां पर डायरेक्टली आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको इतना सारा अमाउंट जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो बादल सरकार ने थर्ड थिएटर 1972 में इस्टेब्लिश किया था, और उसके पहले उन्होंने उनका खुद की रेपेट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी 1967 में, जिसका नाम था शताब्दी. शताब्दी उनका खुद का फर्म था जहां पर वो प्रैक्टिस करते थे एज अ डायरेक्टर, थिएटर प्रैक्टिशनर
और उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए थे। बादल सरकार के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जिसमें उनका बहुत फेमस प्ले है एवं इंद्रजीत एंड इंद्रजीत, जो कि उन्होंने 1963 में लिखा था, एंड पगला घोड़ा जो उन्होंने लिखा था 1967 में। ये दो प्ले ऐसे हैं जिनको लिखने के बाद बादल सरकार की जो ख्याति है या जो जिसको लेके वो काफी फेमस हुए, चर्चा में आए थे। तो यही कुछ ऐसे प्ले हैं जिसकी वजह से बादल सरकार अचानक से लाइमलाइट में आ गए थे। हालांकि वो इसके पहले भी काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट जब बादल सरकार ने नाटक लिखना शुरू किया था या रंगमंच पे काम करना शुरू किया था, तो पहले वो कॉमेडी प्लेस पर काम करते थे, देन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये सीरियस या रियलिटी ऐसे कुछ नाटक लिखे। और बादल सरकार ने जब थर्ड थिएटर इंट्रोड्यूस किया था तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज लिखी थी जो कि ओपन फोरम पे या ओपन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म की जाए, तो वो भी बादल सरकार ने लिखा। और बादल सरकार को कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले थे, लाइक एसएनए अवार्ड, दैट इज अ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, जो कि उनको 1986 में मिला था, एंड ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड आल्सो इन 1972 एंड एसएनए फेलोशिप अवार्ड इन 1997। तो ऐसे कई नेशनल अवार्ड्स बादल सरकार को गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे या रंगमंच में काम करने के लिए उनको मिले थे। कुछ उनके प्ले हैं जो कि बहुत फेमस है, जिनको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है, लाइक जैसे एवं इंद्रजीत जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और गिरीश कर्नाड साहब जो हैं उन्होंने इनके नाटक को ट्रांसलेट किया था, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ने रिलीज भी किया था। और कुछ प्ले हैं बादल सरकार के, लाइक एवं इंद्रजीत जो कि 1963 में लिखा था, बासी खबर, बाकी इतिहास। बाकी इतिहास इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक प्ले, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी प्ले है और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने लिखा है। उन्होंने 1965 में इसको लिखा था। 1966 में उन्होंने प्रलाप लिखा था। पगला घोड़ा मींस मैड हॉर्स, उन्होंने 1966 के बाद शायद उसको पगला घोड़ा को लिखा था। और भोमा सॉल्यूशन, ऐसे भी कुछ प्लेज हैं जो उन्होंने लिखे हैं। और ही वाज आउटस्टैंडिंग राइटर, और उनके जितने भी प्ले हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और भी कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, और ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी उनके नाटकों को सराहा गया। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनके थर्ड थिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको कह सकते हैं कि लाइक थर्ड थिएटर इज इनएक्सपेंसिव बिकॉज उसमें आपको हॉल या लाइट्स या सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो एक्सपेंस है थर्ड थिएटर का वो कम हुआ। थर्ड थिएटर इज अ पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल बिकॉज इसको आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं ऑडियंस को गैदर्ड करके। एंड थर्ड थिएटर इज एंटी प्रोसिनियम इन नेचर, ब्रेक्स द इल्यूजन ऑफ रियलिटी बिकॉज ही डिडंट सपोर्ट प्रोसिनियम थिएटर, दैट्स व्हाई ही इंट्रोड्यूस्ड थर्ड थिएटर। तो कह सकते हैं कि जो थर्ड थिएटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि वो एंटी प्रोसिनियम है, एंड थर्ड थिएटर इंसिस्ट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस इन द प्ले, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि जब कोई भी एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस उनसे लाइवली कनेक्ट रहे, बिकॉज प्रोसिनियम थिएटर में ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई भी प्ले चल रहा होता है तो दैट टाइम यू कांट इंटरप्ट, और जो ऑडियंस होती है उसको डार्क किसी शेडो में या जहाँ भी वो लोग बैठे रहती है ऑडियंस सामने, वहां पर डार्क कर दिया जाता है, सारे लाइट्स जो है वो ऑफ कर दिए जाते हैं। तो दैट कंसेप्ट टोटली बिलोंग्स टू प्रोसिनियम थिएटर, एंड दैट्स द ओनली रीजन ही इंट्रोड्यूस्ड थर्ड थिएटर इन थिएटर। एंड जो थर्ड थिएटर में बादल सरकार बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे कि जो भी एक्टर्स हैं दे टोटली एनैक्ट विद देयर बॉडी, बिकॉज दे बिलीव के अगर जब आप ओपन स्टेज पर या ओपन फोरम पे थिएटर करते हैं तो वी कांट ब्रिंग सेट्स और वी कांट ब्रिंग हैवी प्रॉपर्टीज एंड लाइट्स एंड ऑल द थिंग्स। तो वो चाहते थे कि जो भी एक्टर्स हैं वो सारा एक्शन रिएक्शन डायलॉग्स डिलीवरी या जो भी आपको स्टोरी प्लॉट ऑडियंस को कन्वे करना है दैट इज टोटली कम अलॉन्ग विथ योर बॉडी, come along with the body of that particular actor who's presenting the stage या show in front of audience. So these are the some characteristics of third theater, and I hope आपको बादल सरकार का कभी अगर आप नाम सुनेंगे तो आप उनके बारे में कुछ बता पाएंगे या लिख पाएंगे। कभी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत इस वीडियो से जान चुके हैं। मैं एक बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि बादल सरकार बंगाल थिएटर के लिए जानी मानी एक बहुत बड़ी हस्ती है। वो सिविल इंजीनियर थे, 15 जुलाई 1925 को उनका बर्थ हुआ था,
और उनका खुद का थिएटर ग्रुप था जिसका नाम था शताब्दी। उनको अवार्ड्स मिले थे, SNA पद्मश्री अवार्ड, SNA फेलोशिप, और उनके कुछ फेमस प्ले हैं जिसमें से एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, बाकी इतिहास है ही। अगर आपको कभी भी मौका मिले, आपको इसकी बुक मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आपको बादल सरकार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी दूसरे प्ले राइट्स के बायोग्राफी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।